गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पुनः क्लास 5 में मैथ के साथ मैं रवि प्रकाश प्रजापति। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें हम एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को जो इबारती से रिलेटेड हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेल के 27 डिब्बों में 3,186 यात्री बैठते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस रेल के एक डिब्बे में कितने यात्री बैठते हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे हमको एक डिब्बे में कितने यात्री बैठते हैं उसकी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो जब 27 डिब्बों में 3,186 यात्री बैठते हैं तो एक डिब्बे में कितने यात्री बैठते हैं ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो 3,186 में 27 से भाग करते हैं, क्योंकि 3,186 यात्री कुल 27 डिब्बों में बैठते हैं, इसलिए एक डिब्बे में बैठने वाले यात्रियों की संख्या निकालना है। तो 3,186 में 27 से भाग करना पड़ेगा, इसलिए हल के रूप में लिखेंगे कि चूंकि एक रेल के 27 डिब्बों में यात्री बैठते हैं 3,186, इसलिए एक रेल के एक डिब्बे में यात्री बैठते हैं बराबर 3,186 में भागा 27, यानी 3,186 में 27 से भाग करेंगे तो जितना आएगा उतने ही यात्री एक डिब्बे में बैठते हैं। तो भाग कर लें 3,186 में 27 से, तो भाग करेंगे 3,186 भागा 27, तो 27 से 31 एक बार में जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ 2 में से 2 कैंसिल, फिर 8 उतारेंगे 48 होगा, फिर 27 से 48 एक बार में जाएगा तो 8 में से 7 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 21, फिर अगला अंक 6 उतारेंगे 216 होगा, फिर 27 से 216 8 बार में जाएगा, 216 से 216 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक डिब्बे में बैठने वाले यात्रियों की संख्या 118, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1,278 बच्चों का वार्षिक शुल्क 8,79,264 रुपये है, एक बच्चे का वार्षिक शुल्क ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, जब भी कई का मूल्य दिया हो और एक का मूल्य पूछे तो ऐसी दशा में हम भाग की क्रिया करते हैं, यानी यहाँ पर भी 1,278 बच्चों का जब वार्षिक शुल्क इतना है तो एक बच्चे का वार्षिक शुल्क निकालने के लिए यदि 8,79,264 में 1,278 से भाग कर दें तो हमको एक बच्चे का वार्षिक शुल्क ज्ञात हो जाएगा, इसलिए हम 8,79,264 में 1,278 से भाग करेंगे। तो हल करेंगे, चूंकि 1,278 बच्चों का वार्षिक शुल्क 8,79,264 रुपये है, इसलिए एक बच्चे का वार्षिक शुल्क बराबर 8,79,264 भागा 1,278, भाग करने पर 688 रुपया आएगा, तो यही एक बच्चे का वार्षिक शुल्क हो जाएगा, यानी एक बच्चे का वार्षिक शुल्क 688 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंजना के पास कुल 9,730 रुपये थे, उसने यह रुपये 69 बच्चों में बराबर बराबर बांटे, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक बच्चे को कितने रुपये मिले तथा अंजना के पास कितने रुपये शेष बचे। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी प्रत्येक बच्चे को कितना पैसा मिला है यह निकालने के लिए हम
9730 में 69 से भाग करेंगे। यदि 9730 में 69 से भाग कर दें तो पता चल जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को कितना रुपया प्राप्त हुआ है, इसलिए हम 9730 में 69 से भाग करेंगे। तो हल करेंगे कि अंजना के पास कुल रुपए 9730, इसलिए 69 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितना पैसा प्राप्त होगा, तो 9730 में 69 से भाग करेंगे। भाग कीजिए, 9730 में 69 से भाग करेंगे तो 69 से 97 में एक बार जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2। फिर अगला अंक उतारेंगे 3। अब 69 से 283 में 4 बार जाएगा 276, तो 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ 7 में से 7 जाएगा कैंसिल, 2 में से 2 कैंसिल, यानी 7 बचेगा। फिर अगला अंक उतारेंगे 0। अब 69 से 70 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 69 70 में से 69 माइनस करेंगे तो एक शेष बचेगा। इसका मतलब 9730 रुपये को 69 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को 141 रुपये मिलेंगे, और प्रत्येक को 141 रुपया देने के बाद अंजना के पास शेष 1 रुपया बचेगा। इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 41 रुपये प्रत्येक को मिलेगा और शेष अंजना के पास 1 रुपये शेष बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक हाल में 1568 कुर्सियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 35 कुर्सियां लगाई जानी हैं। ज्ञात कीजिए कि कितनी पंक्तियां बनेंगी तथा कितनी कुर्सियां शेष बचेंगी। प्रिय छात्रों, इसमें एक हाल में 1568 कुर्सियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 35 कुर्सियां लगानी हैं। इस प्रकार पूछ रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 35 कुर्सियां लगाई जाती हैं तो कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी और कितनी कुर्सियां शेष बच जाएंगी। तो प्रिय छात्रों, यहां पर भी हम भाग के द्वारा पंक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे। हल करेंगे कि हाल में कुल कुर्सियां 1568, प्रत्येक पंक्ति में 35 कुर्सियां लगाने पर कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 1568 में 35 से भाग करेंगे, 1568 भागा 35। अब 1568 में 35 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 अंक लेकर भाग करेंगे, 35 चौको 140, 6 5 में से 4 जाएगा 1, 1 में से कैंसिल। अगला अंक 8 उतरेगा, 35 चौको पुनः 140, 168 में से 140 माइनस करेंगे तो 8, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 कैंसिल। इस प्रकार कुल 44 पंक्तियां बनेंगी और 28 कुर्सियां शेष बच जाएंगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि आंसर में कुल 44 पंक्तियां बनेंगी और 28 कुर्सियां शेष हो जाएंगी। पुनः अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 22 72 84 56 है, एक संख्या 94 86 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जब दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है और एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें इससे भाग करेंगे, इसमें इससे भाग करने पर जो आएगा वही दूसरी संख्या का मान हो जाएगा। इसलिए हल करेंगे कि चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल 22 72 84 56 है,
पहली या प्रथम संख्या बराबर 94-86 है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर, अब इसमें इससे भाग कर देंगे तो 22 72 84 56 भागा 94 86, भाग करने पर ये आ जाएगा आपका, भाग करने पे आ जाएगा 23 96, यानी प्रथम संख्या 94 86 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 23 96। अब यदि आंसर चेक करना हो तो दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो दो संख्या में एक संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, तो पुनः इसमें इससे गुणा करके हम देख सकते हैं कि यदि मान इतना आ जाता है तो जो हमने दूसरी संख्या निकाला है वो दूसरी संख्या का मान सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 576 कैलकुलेटरों का मूल्य 251,712 रुपये है, ज्ञात कीजिए कि 431,756 रुपये में कितने कैलकुलेटर खरीदे जा सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, जब 576 कैलकुलेटरों का मूल्य 251,712 है तो सबसे पहले हम एक कैलकुलेटर का मूल्य निकालेंगे। एक कैलकुलेटर का मूल्य निकालने के लिए इतने में 576 से भाग करेंगे, जब एक कैलकुलेटर का मूल्य मालूम हो जाएगा तो फिर पूछ रहा है कि इतने रुपए में कितने कैलकुलेटर खरीदे जा सकते हैं, तो पुनः इसमें एक कैलकुलेटर के मूल्य से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि कुल इतने रुपए में कितना कैलकुलेटर खरीदा जा सकता है। तो हल करेंगे कि चूंकि 576 कैलकुलेटरों का मूल्य 251,712 रुपये है, इसलिए एक कैलकुलेटर का मूल्य बराबर 251,712 भागा 576, भाग करेंगे तो 437 रुपये, यानी एक कैलकुलेटर का मूल्य 437 रुपये आ रहा है। अब पूछ रहा है कि 431,756 रुपये में कितने कैलकुलेटर खरीदे जा सकते हैं, तो निकालेंगे कि 431,756 रुपये में खरीदे गए कैलकुलेटरों की संख्या बराबर 431,756 में 437, यानी एक कैलकुलेटर के मूल्य से भाग कर देंगे तो 431,756 भागा 437, भाग करेंगे तो 988 आएगा। इसका मतलब 431,756 में 988 कैलकुलेटर खरीदे जा सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब, जब 576 कैलकुलेटरों का मूल्य इतना दिया हुआ है तो सबसे पहले हम एक कैलकुलेटर का मूल्य निकालेंगे। एक कैलकुलेटर का मूल्य निकालने के लिए इसमें इससे भाग करेंगे तो 437 आ रहा है, यानी एक कैलकुलेटर का मूल्य 437 रुपये मालूम हो गया। तो पूछ रहा है कि इतने रुपए में कितने कैलकुलेटर खरीदे जा सकते हैं, तो पुनः इतने रुपए में एक कैलकुलेटर के मूल्य से भाग कर देंगे तो जो आएगा उतना ही कैलकुलेटर खरीदा जा सकता है। इसलिए 431,756 भागा 437 बराबर 988, यानी 431,756 रुपये में 988 कैलकुलेटर खरीदे जा सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी में 6 पार्टनर हैं, कंपनी में कुल 4,28,27,652 रुपये हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक साझेदार द्वारा कितना धन लगाया गया। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी जब कंपनी में कुल 4,28,27,652 रुपया है, ये कुल पैसा 6 पार्टनर के द्वारा लगाया गया है, तो ज्ञात करना है कि प्रत्येक पार्टनर ने कंपनी में कितना धन लगाया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे
कि भाग करेंगे। जब एक का मूल्य ज्ञात करना हो तो वहां पे हम भाग की क्रिया अपनाएंगे। जब कई का मूल्य दिया हो या मान दिया हो और एक का मान निकालना हो तो वहां पे हम भाग की क्रिया के द्वारा एक का मूल्य या एक का मान निकालेंगे। तो जब 6 पार्टनर के द्वारा इतना रुपया लगाया गया है तो एक पार्टनर के द्वारा कितना धन लगाया गया है यह निकालने के लिए यदि हम इसमें इससे भाग कर दें तो पता चल जाएगा कि एक पार्टनर के द्वारा कितना धन लगाया गया है। इसलिए हल करेंगे कि चूंकि 6 पार्टनर द्वारा कंपनी में लगाया गया धन बराबर 4,28,27,652 रुपये, इसलिए एक पार्टनर द्वारा कंपनी में लगाया गया धन बराबर, अब इसमें 6 से भाग कर देंगे, 4,28,27,652 भागा 6 बराबर आ जाएगा 71,37,942। 71,37,942 यानी एक पार्टनर के द्वारा कितना धन लगाया गया है तो 71,37,942 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।